हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सी टी टी एंड टी टी इज प्रिपरेशन में। और आज की इस वीडियो में मैं हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लाई हूँ, सी टेट का। ठीक है, पेपर वन के लिए जो एग्जाम होता है उसका है, जिसमें पिछले वीडियो में 106 तक के प्रश्नों को मैं हल की थी। तो इसमें मैं व्याख्यान के साथ आंसर बताती हूँ, तो आइए शुरू करते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन है, समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षा के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। पहला है बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं का पहचान करना, दूसरा है बच्चों को विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराना, तीसरा है बच्चों को आकलन करते समय अति उदार बनना, और चौथा है विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना। इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना, यह शिक्षक की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं होती है। 108 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में डैश पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। पहला है व्यक्तिक, दूसरा है सस्व, तीसरा है मौन, और चौथा है सामूहिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, व्यक्तिक। पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में व्यक्तिक पठन जो होता है उसको प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है, ताकि क्या होगा उससे कि शिक्षार्थी स्वयं समस्याओं को हल करने के प्रयत्न करेंगे। 109 नंबर क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। पहला है आकर्षक चित्र, दूसरा है पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, तीसरा है अभ्यासों की बहुलता, और चौथा है कागज की गुणवत्ता। इसका आंसर है ऑप्शन 2, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। पढ़ने की भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष जो है वो है पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। 110 नंबर क्वेश्चन है, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा पहला है गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है, दूसरा है बच्चों के भाषाई विकास को स्पष्ट समझ पर बल देती है, तीसरा है बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती है, और चौथा है सभी भाषाओं को सीखने पर बल देती है। इसका आंसर है ऑप्शन 2, बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, अर्थात बच्चा मौखिक लिखित दोनों रूपों में विचारों की अभिव्यक्ति कर सके। 111 नंबर क्वेश्चन है, विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि पहला है मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है, दूसरा है लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, तीसरा है समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है, और चौथा है इससे व्याकरणिक नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। इसका आंसर है ऑप्शन 3, समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। विद्यालय से बाहर के जीवन और वहाँ से प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि वहाँ एक समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। 112 नंबर क्वेश्चन है, पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे पहला है पठन लेखन में दक्ष होते हैं, दूसरा है स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, तीसरा है भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं, और चौथा है तुतलाकर बोलते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन 2, स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर जितने भी बच्चे होते हैं वह स्व अभिव्यक्ति जानते रहते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन है, सुरभि अक्सर अंगा वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है, तो आप क्या कहेंगे? पहला है उसे अंगा वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं लिखकर स्वयं अभ्यास करने के लिए देंगे, दूसरा है उसे अंग वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे, तीसरा है उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, और चौथा है उसे अंग वाले शब्दों की सूची पढ़ने या बोलकर अभ्यास करने के लिए देंगे। इसका आंसर है ऑप्शन 3, उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। सुरभि द्वारा अंग वर्ण वाले शब्दों का गलत उच्चारण करने पर उसे सहजतापूर्वक वो अपने उच्चारण पर ध्यान देते हुए अपनी बातों को कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। 114 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, पहला है विराम चिन्हों का प्रयोग, दूसरा है पढ़ने में प्रवाह, तीसरा है अर्थ का निर्माण, और चौथा है वर्णों की पहचान। इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, पढ़ने में प्रवाह। पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण पढ़ने में प्रवाह होना चाहिए। 115 नंबर क्वेश्चन है,
भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है, पहला है बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास, दूसरा है बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास, तीसरा है बच्चों को अनुशासन में रखना, और चौथा है बच्चों का मनोरंजन करना। इसका आंसर होगा ऑप्शन एक, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास। भाषा की शिक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना ही होता है। 116 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी डैश, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण। पहला है समस्याएं, दूसरा है भाषा, तीसरा है पाठ्य पुस्तक और चौथा है कमियां। इसका आंसर है ऑप्शन दो, भाषा। प्राथमिक कक्षा में बच्चे बहुत कुछ लेकर आते हैं, जैसे अपनी भाषा, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण। 117 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है। पहला है बाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना, दूसरा है कहानी सुनना, शब्दशः दोहराना, तीसरा है अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति और चौथा है बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निर्वहन करना। इसका आंसर होगा ऑप्शन दो, कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है कि कहानी सुनकर उसे शब्दशः दोहराना। मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ है अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की सक्षमता। 118 नंबर क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में जरूरी है कि पहला है भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, दूसरा है भाषा शिक्षक बच्चों को उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे, तीसरा है भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले, या चौथा है स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। इसका आंसर है ऑप्शन चार, स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। भाषा की कक्षा में भाषा शिक्षक के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि शिक्षक का भाषा जो हो प्रभावी हो, वह शब्दों को भली भांति उच्चारण का प्रयोग करना जानता हो। 119 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है। पहला है भाषिक संरचनाओं पर अधिकार, दूसरा है भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, तीसरा है भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार और चौथा है भाषिक नियमों पर अधिकार। इसका आंसर है ऑप्शन दो, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार होना। 120 नंबर क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण में आगमन विधि की विशेषता है। पहला है पहले नियम बनाना, दूसरा है पहले नियम का विश्लेषण करना, तीसरा है अपने मनोरंजक गतिविधि कराना, पहले मनोरंजक गतिविधि कराना और चौथा है पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। इसका आंसर है ऑप्शन चार, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। व्याकरण शिक्षण में आगमन विधि की विशेषता है कि पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है और फिर नियम तक पहुंचाया जाए जिस नियम के लिए उदाहरण दिया गया है। यहाँ पे हिंदी का प्रश्न समाप्त होता है। आगे के वीडियोस में मैं बचे हुए प्रश्नों को हल करूँगी और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।